नमस्कार दोस्तों, मैं राम आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस बार का वीडियो एक खास वीडियो है जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लोग घूमने जाते हैं, दूर दूर घूमने जाते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, जिधर पहाड़ों पर झरने, प्राकृतिक नज़ारे ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं शेखावाटी का रहने वाला हूँ, सीकर के पास से ही। यहाँ पर आसपास में जब बारिश बढ़िया हो जाती है जिस वर्ष, तो वही नज़ारे जो आप लोग इतनी दूर दूर देखने जाते हैं, वो सब यहाँ इन्हीं पहाड़ियों में, उदयपुर वाटी की पहाड़ियों के आसपास में, लोहारगढ़, शाकंबरी, किरोड़ी, मनसा माता, यहाँ आसपास में वो सब देखने को मिलते हैं। तो वही मैं आप सबको दिखा रहा हूँ इन वीडियो में। ये देखिए, ये लोहारगढ़ के रास्ते में जब आप जाएंगे, यहाँ से जो सीकर नीम का थाना रोड है, इस रोड से ही लोहारगढ़ की रोड फटती है, तो वहाँ पर आप जैसे ही लोहारगढ़ की तरफ चलेंगे तो रास्ते में आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखें कितना सुंदर झरना है जो पहाड़ों में बह रहा है, ये बीच रास्ते में आपको मिल जाएगा। और जब आप लोहारगढ़ पहुँच जाएंगे तब तो वहाँ पर तो जो वहाँ का सूर्यकुंड है, सूर्यकुंड के पीछे का जो नज़ारा है वो तो आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इतना शानदार नज़ारा, इतना आकर्षक लगता है वो, देखने वाले देखते रह जाते हैं उसको। शायद आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ ही आपके पास में ये नज़ारे देखने को आपको मिलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सूर्यकुंड का नज़ारा। सूर्यकुंड के पीछे जो झरना है, प्राकृतिक झरना, ये आप देख रहे हैं कितना आलिशान है प्रकृति का ये शानदार नज़ारा। इन दिनों में ये झरना अपने सुंदर रूप में बह रहा है, प्राकृतिक रूप में। आप सभी भी यदि घूमने के शौकीन हैं ऐसी जगहों पर, तो ज़रूर यहाँ पर घूमिए, देखिए और प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। ये सीकर नीम का थाना जो रोड है, उसी रोड पर लोहारगढ़ की तरफ ये रास्ता जाता है, उस रोड से ही फटता है ये रास्ता। और यानी मेन रोड से 10 किलोमीटर अंदर की तरफ है ये लोहारगढ़ का जो जगह है ये। और यहाँ पर गंगा की पवित्र धारा बहती है, ऐसा इतिहास में भी वर्णन है, और इतिहास के जो महाभारत काल है उससे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ भी हैं जो इस जगह का महत्व और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आज के लिए ये प्यारा वीडियो, मैं खुद जाकर आया, मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ ये सारा। थैंक यू, जय हिंद।